प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, मुख्यमंत्री सुक्कू, बिजली रॉयल्टी समेत मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी में हिस्सेदारी पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी की मुलाकात। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि बिजली रॉयल्टी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें कि बीबीएमबी में हिस्सेदारी पर भी चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बिजली रॉयल्टी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। आप देख रहे हैं तो बिजली विभाग से भी जुड़े मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। पीएम मोदी से मिले सीएम सुक्कू, बिजली रॉयल्टी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दरमियान की आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्कू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान दिया है और वहीं थोड़ी देर बाद तस्वीर में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचली टोपी भी पहने हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि गिफ्ट दिया है हिमाचली टोपी। ये देखिए टोपी पहनाते हुए शॉट दिखा देते हैं हम आपको। और ये ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल हैं मुलाकात के दरमियान हिमाचली टोपी और शॉल देकर सम्मान दिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री सुक्कू ने मुलाकात की। चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री सुक्कू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर से मिलने का कारण केवल और केवल इतना ही है क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए की जो देय राशि है जो बीबीएमबी ने देनी है उस पैसे के लिए हिमाचल लगातार डिमांड कर रहा है। और अगर हम बात करें 2011 जी वो पैसा 7% के हिसाब से हमारा जो है आउटस्टैंडिंग खड़ा है हिमाचल में और उसके लिए लगातार जो है वो मनोहर लाल खट्टर से भी मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। हालांकि आकांक्षाएं ये भी है हिमाचल सरकार की कि वो जो है वो निर्मला सीतारमन से भी आज शाम को मिल सके जो और राशि है क्योंकि कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को लेकर जितना का बचा हुआ है वो चाहते हैं कि हिमाचल को जो है वो पैसा पूरा का पूरा मिले क्योंकि अभी भी हिमाचल की सड़कों की हालत खस्ता है और बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं तो उन सभी को रिपेट करके वापस दर्रे पे लाने के लिए सुखविंदर सुक्कू जी प्रधानमंत्री से भी मिले और अन्य नेताओं से भी मिले। अनुराग, जैसा कि मुलाकात के दरमियान की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मनोहर लाल खट्टर से, तो हिमाचल की जो कहते हैं ना शोभा है वो कैप उनको पहनाते हुए नजर आते हैं और बकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो कैप को पहने रहते हैं और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वो कैप पहनकर फिर इसके बाद जो उतारते नहीं है वार्तालाप चलता रहता है, यानी एक शुभ संकेत है इससे। हाँ बिल्कुल, देखिए हिमाचली टोपी की आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हिमाचल मेरा जो है वो दूसरा घर है, तो जब भी आते हैं वो हिमाचली टोपी, बल्कि पहले भी जब यहाँ पर हिमाचल आए थे तो उन्हें हमेशा जो है वो हिमाचली टोपी दी जाती है क्योंकि हिमाचली टोपी जो है वो हिमाचल की शान मानी जाती है। उसी के साथ में एक मफलर और एक जो आपके शॉल है वो भेंट दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं जेस्चर बड़े अच्छे और साफ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है अब वो भी कंफर्ट जोन में है, वो सुखविंदर सुक्कू को ये कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके
जो पार्टी की खींचातान जो इलेक्शन के मद्देनजर चल रही थी वो अब सब खत्म हो चुकी है। अब तो ये है कि उनके वो मुख्यमंत्री हैं और सरकार चलानी है, सरकार अगले 3.5 साल सुखविंदर सुक्खू ने भी चलानी है, तो इसलिए मिलना बिल्कुल जायज था और हिमाचल के लिए जितना धनराशि ला सके वो उनकी तरफ से वो बिल्कुल मेहनत करना जायज है। जी बिल्कुल। चलिए अंदाजी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।